Hi everyone. So, let me introduce to you Dr. बहुत बढ़िया किया आपने कैसा लग रहा है आउट ऑफ दर्ल्ड लग रहा है लाइक माउंट एवरेस्ट सबमिट कर लिया है ने. ऐसा लग रहा है डिस्क्राइब किया ना एफ एम जी एग्जाम लगभग एक पहाड़ के जैसा ही फील होता है क्योंकि साल से इसके बारे में सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और फिर जब एग्जाम आता है तब तक ऐसा लगता है पहाड़ आ गया है। <laughs> बिल्कुल सर। तो घर पे सबसे ज्यादा कौन खुश हुआ आपके रिजल्ट के बाद तो, भैया मेरा भाई मतलब वो भी डॉक्टर है अपना ट्रॉमा में है रिकंस्ट्रक्शन प्लास्टिक सर्जन है वो सबसे ज्यादा उसी को खुशी हुई कि लाइक उसके चेहरे से पूरा टेंशन ही खत्म हो गया कि लाइक हाँ अब मेरा भाई मेरी बैकबोन है और भाभी मम्मी पापा सब 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 बहुत खुश थे बहुत बढ़िया आई थिंक परिवार को जो आपने खुशी दी ये खुशी मेरे ख्याल से तो आप आप देखेंगे तो उनके सबके अंदर एक टेंशन थी एग्जाम की एग्जाम की वो आपने पूरी खत्म कर दी बहुत ज्यादा सर और ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट में सर बहुत लाइक और खुशी हो गए उनको तो जो आपने हमारे साथ जल्दी पढ़ना शुरू किया तो उससे क्या फायदा लगा है कि हम जब पेपर 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 दे रहे थे तो 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 क्योंकि पेपर इतना आसान नहीं था इस बार अगर पेपर टू देखें तो, तो क्या जल्दी पढ़ना शुरू करना चाहिए और कब आइडियल टाइम है जो आप जो बच्चे सुन रहे हैं आपको उनको क्या गाइड करना चाहेंगे आप सर मैंने 2018 में जो सैटेलाइट कोर्सेज होते थे ना फाउंडेशन के हाँ, लिए हाँ, 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 तो मैंने वो ज्वाइन कर, कर ली थी अपने जीएमसी और IGMC, मतलब Indian Medical graduates के साथ तो वो लोग बोलते भी थे तुझे क्या है तू लास्ट में पढ़ लेना मैं बोला नहीं मुझे foundation अपना अच्छा करना है और लकीली मुझे seat मिल भी भी गई थी जब छुट्टी में आते थे हम हाँ, तो मैं हाँ. ये अपना foundation वाला कोर्स करता था हमेशा उससे फर्क पड़ा मेरे को लगता है फायदा मिला की लाइक सब लोग एनाटॉमी और फिजियो से लोग डरते हैं मैं बोला पूछो क्वेश्चन एनाटॉमी के सर इतने लाइक पूरे ऑलमोस्ट जो दस क्वेश्चन आए थे एनाटॉमी के पूरे सही हुए एनाटॉमी तो पूरा ही सही हुआ सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और इस बार के पेपर में पेपर वन कैसा लगा टू कैसा लगा आपको तो पेपर वन तो अच्छा था पीवाईक्यू ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यू थे मतलब इजी था लेकिन पेपर टू में ना सर थोड़ी बहुत उन लोग ने ट्रिक खेल लिया था मतलब घुमा के क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन इजी से सर रेडियो रेडियो तो मेरा पूरा सही हुआ और गायनी मैम ने गायनी को जो इजी पिजी बना दिया था ना लाइक हाँ उन्होंने क्वेश्चन गायनी के बहुत आए थे एक क्वेश्चन भी था वो रूबरा वाला रूबरा सिरोसा अल्बा मैं बोला पढ़ा है मैंने पूछो ये क्वेश्चन है मैम ने बताया कि रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका करना है उसने हाँ हाँ बहुत बढ़िया हमने बताया है <laughs> बहुत बढ़िया अच्छा बेटा एक और बात मुझे आप बताओ कि जैसे जर्नी में कभी ऐसा लगा कि यार मुश्किल लग रहा है या अप्स एंड डाउन आए या कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि आप बाहर पढ़ रहे थे लेकिन कोई रिजल्ट किसी और का अच्छा नहीं आया कभी घबराहट हुई कभी और हुई तो कैसे मैनेज किया एग्जाम के जस्ट नाइन डेज पहले तो इंसिडेंस हो गया था सर एक मेरी सिस्टर की बेटी की डेथ हो गई थी घर में बहुत अलग ही माहौल था सर तो बस सबने समझाया कि कर लो कर लो हो जाएगा सब हो जाएगा और सबने समझाया सर भाई ने बहुत सपोर्ट किया भाभी ने सपोर्ट किया और अप्स एंड डाउन तो सर एग्जाम में तो सर फीलिंग्स मिक्स फीलिंग्स तो रहती है कभी समटाइम्स ऐसा रहता है कि हम पढ़ रहे हैं समटाइम्स ऐसा है कि नहीं सर जब क्वेश्चन करते हैं ना सब तो लगता है कि पहला क्वेश्चन गलत दूसरा क्वेश्चन गलत तीसरा क्वेश्चन गलत यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं Self -doubt हुआ था सर। और लास्ट मंथ में तो सर थोड़ा downs, बहुत लेकिन फिर भी मैनेज हो गया सर ये आ, आपने एक एफ एम जी के मतलब कुछ दिन पहले आप लोग दोनों मैम और आप वो आए थे लाइव आए थे यूट्यूब पे आपने बोला बच्चा अटेंशन ना लो होगा बच्चा मैम जब बच्चा बच्चा बोलती बात करके और बहुत ही खुशी हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ बेटा कि आज जो अब आप पीछे मुड़ के जब देखते हो आपने जो भी सीखा क्या आप अपने जूनियर्स को या आने वाले बच्चे जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम लिखेंगे उनको कोई मैसेजेस देना चाहते है अपनी तरफ से हाँ सर लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग टेंशन नहीं लेने का मतलब आईएमजी एफएमजी ऐसा कुछ नहीं होता सर सब मतलब लाइक like, एग्जाम पास करने के बाद सब सेम है सबको सेम नॉलेज है और सर क्लिनिकल एक इंसिडेंट है सर मैं बताऊ हाँ हाँ जरूर जरूर कि हाँ मैं जब एग्जाम के बाद एक दो दिन बाद मैंने प्रैक्टिस करना मतलब लाइक like, हॉस्पिटल वगैरह में जाना स्टार्ट किया तो वहां पर एक यूरो की सर्जरी हो रही थी पी तो तो उसमें ना कैथेटर का था लाइक चार पांच इंडियंस आईएमजी से मोस्टली मैं एक एफएमजी था वहां पर तो वहाँ पर ना लाइक मैम थोड़ा बहुत करते करते अपना क्वेश्चन पूछ रही थी तो फोलिस कैथेटर का आया उसमें तो मैम ने पूछी चलो बताओ इसमें फोलिस कैथेटर कौन से नंबर का लगेगा तो मुझे याद आ गया कि मैंने ये रिविजन वीडियो में पढ़ा था ऐसे निमोनिक करके तो पहले तो मैं ठीक था मेरे को पता है मैं अगर कोई भी कलर का आएगा मैं बता दूंगा कौन सा नंबर गोली पंजाब तो ग्रीन तो, तो जी फॉर तो मैं पहले देख पा कि कोई आंसर तो नहीं दे रहा कोई आंसर तो नहीं दे रहा तो मैंने देखा मैम मैंने बोला हाँ मैम ये फोर्टीन का होगा आपने ग्रीन कलर का निकाले बोले हाँ बोले कौन से मेडिकल कॉलेज से हो तुमने लाइक इंडिया मतलब ये नागपुर वगैरह में किया है कि मुंबई में किया है बोला नहीं मैम मैं एफ एम जी हूँ मतलब फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ तो बोले हाँ सच्ची तो बोले हाँ यार तुम्हें तो नॉलेज है मैं बोला मैम बस ये ऑनलाइन मतलब सबने जो पढ़ाया है उसी का है बाकी ऐसा कुछ नहीं है तो मतलब बहुत खुशी हुई थी उस दिन मैम ने तारीफ करी हाँ यार तुम्हें नॉलेज है किसी को आंसर नहीं आया सर सारे मतलब जो भी इंटरस थे वहां पर किसी को आंसर नहीं आया मैंने दे दिया आंसर बोला मैंने पढ़ा है ये सर ने मैम ने करवाया है अपने ऑनलाइन क्लासेस में एक्चुअली बहुत जरूरी बात है कि हम अपने आप को कमजोर ना समझे अगर हम मेहनत करते हैं तो किसी से कम नहीं है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और यही अपना फोकस बनाना डे वन से जो बच्चे तो एक तो बात देखे आप देखे। ये भी मुझे बताओ कि कई बार मैं देखता हूँ जो बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं कई बार ना सोचते हैं कि आखिर में कर लेंगे यार आखिरी पांच महीने में कर लेंगे या इंडिया आएंगे तो तीन महीने में कर लेंगे तो क्या आप उन्हें एडवाइस करना चाहते हो कि थोड़ा जल्दी शुरू करें और अच्छे से कॉन्सर्ट बनाए सर आखिरी में कुछ नहीं होता आखिरी में किसी को पता नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है जैसे मेरे साथ सर इंसिडेंट हो गया खुदा ना खासा ये सर किसी के साथ ना हो लेकिन मेरे साथ जो हुआ है तो लाइक आखिरी में कुछ नहीं पढ़ना है फर्स्ट ईयर तुम एंजॉय करो ना न्यू कंट्री में हो लेकिन सेकेंड ईयर से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो बेस स्ट्रॉन्ग करो सर फाइनल ईयर आते तक ऐसा है कि बस इंडिया जाना ना अरे इंडिया जाके एग्जाम दे ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर जी मुझे मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया बात है कि आप कोई भी जर्नी शुरू करते हैं शुरू में एंजॉय करो कि यार आप आए नए जगह आए लेकिन धीरे धीरे फिर काम पे लगो पढ़ाई पे लगो ताकि जब आप एग्जाम के लिए आओ तो कंफर्टेबल हो और ऐसा ना सोचो कि आखिर में आके कर लोगे तीन महीने में बहुत ज्यादा प्रेशर आता है मैं हर बार देखता हूँ जब एफ एग्जाम होता है तो कई बच्चे पेपर वाले दिन एकदम पैनिक हो जाते हैं कई बच्चे पेपर वाले दिन पेपर ही नहीं घबरा जाते दे नहीं पाते क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा अपने आप को प्रेशर में ले लिया होता है लेकिन अगर आप थोड़ा जल्दी शुरू करते हैं तो उतना प्रेशर नहीं आता और जल्दी शुरू करना ही क्रिटिकल बात है और आने वाले टाइम पैनि... में तो इस बार के एग्जाम के बाद तो तो जरूरी है टाइम से obviously, sir, obviously. So, panic, panic का तो था ही मेरे साथ भी मतलब पेपर वन में हुआ था लाइक मैं बहुत ज्यादा एक्साइट हो गया था कि पेपर वन में आ रहा है ये भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है फिर ना लाइक पढ़ा हुआ है पढ़ा हुआ है पढ़ा हुआ है नहीं फिर जब क्वेश्चन लाइक सारे सही होने लगे ना सर तो ऐसा लगा हाँ यार मुझे तो सब आता है सब आता है सब आता है और उतने में दिमाग में ब्लैकआउट हो गया तो सर ये कब भी नहीं करना चाहिए आता है ठीक है अपने आपको रिलैक्स रखो सर सबसे मेन बात यह एग्जाम दे के दिन रिलैक्स रहना ही चाहिए बिल्कुल ठीक बात है और बेटा कोई ऐसा चीज जो आप कहना चाहते हैं या कोई आपको कोई लाइन ऐसी कोई जो और बच्चों को जिनका नंबर अच्छे नहीं आए इस बार उनको कुछ मोटिवेशन मिल जाए लाइक ये है कि तुम लोग पढ़ो बस पढ़ना पढ़ना ही सबसे बेस्ट है अगर तुम एक फॉरेन कंट्री में सर मैं भी मिडिल क्लास से ही हूँ लाइक फॉरेन कंट्री में जाके अपने माँ बाप के पैसे वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो तुम तो उनको रिजल्ट लाके दो ना सर मेरे पापा लाइक मेरे पापा जिस दिन रिजल्ट निकला ना तो मैं जिस दिन एग्जाम हुआ था उस दिन बोला सर मतलब कि पेपर टू थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो जब जैसे पापा को वीडियो कॉल किया भैया ने कि तुम्हारा बेटा पास हो गया बोले इसका तो पेपर अच्छा नहीं गया था ना कि कैसे पास आ, हो गया तीन बार उन्होंने बोले पास कैसे हुआ पेपर अच्छा नहीं गया था मैं बोला बस गया पास मतलब इसने पापा ने पूरी जर्नी देखी है कि, मतलब पढ़ता था ऐसा और आ, सर एक लाइन में बोलना चाहूंगा बोलिए बेटा ड्रग चॉइस फॉर एफ एम जी इज यस मेरा मानना यह है कि लाइव क्लास से ना सब पूरा गेम बदल जाता है अगर बच्चा लाइव क्लास कर लेता है ना एक बार टीचर के साथ कर लिया ऑनलाइन इंटरेक्ट कर लिया चैट हो गया डाउट हो गया तो वो उसको बहुत फायदा मिलता है आने वाले समय में मैं सर, यही चीज हुआ और... था ना हाँ बताइए बेटा बताइए वो जो सैटेलाइट क्लासेस थी तो जैसे लग ही रहा था कि सर सामने बैठ के पढ़ा रहे तो मतलब थोड़ा बहुत इंटरेक्शन जब हुआ ना तब लगा हाँ यार, पढ़ना चाहिए, कुछ नहीं होगा मतलब नीट निकाल के हुए और मेरा ही नीट में नहीं निकला तो मैं फॉरेन में जाना पड़ा ऐसा सर थोड़ा बहुत लगा था फिर सर फिर बेस पकड़ा और फिर धीरे 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 सबकी हेल्प से फाइनली निकल ही गया सर बहुत बढ़िया और अब आखिर में ना बेटा आपने एक प्रॉमिस करना है कि आप एक इंटरव्यू इस चैनल पे आपने और देना है नीट पी के बाद क्या सर मैं कह रहा हूँ एक इंटरव्यू आपने और देना है नीट पीजी के बाद तैयार है सर, sure, मेरा, like, जब में मैं शिफ्ट हुआ ना डांस में तो सर लाइक like, की मेरे को था कि मेरे को इंटरव्यू देना है तो देना है इंटरव्यू मैं, मैं पास होने के लिए नहीं पढ़ रहा था सर मैं इंटरव्यू हाँ. देने के लिए पढ़ रहा था हाँ, एक और एटर। अब अब एटर। अब, एटर। अब अगले की देना है और सर निकालना है अब अगले की तैयारी है जिसमें हम बिफोर एंड आफ्टर करेंगे तब कि ये पहला इंटरव्यू और अब नया इंटरव्यू आ गया नीट के बाद ठीक है ये प्रॉमिस है आईएनआईटी का इंटरव्यू रहेगा और आपने मुझे फिर मैसेज करना इंस्टाग्राम पे फिर से बताना है कि मेरा ये आ गया सर बिल्कुल सर बिल्कुल बच्चे बेस्ट ऑफ लक कंग्रेचुलेशन टू दी एंटायर फैमिली वंस मोर बहुत मजा आया आपसे बात करके बेटा गॉड ब्लेस कीप शाइनिंग लाइक दिस गॉड ब्लेस बेटा थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच बाय बाय एंड ड्रग ऑफ चॉइस इज डैम ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एफएमजी डैम्स डैम्स थैंक यू सर बाय बेटा बाय बाय सर